बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैंने बनानी है कलेजी, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों से शेयर कर लूँ, तो मैं इसको धोने लगी हूँ। इसके बाद मैं कपड़े सिलाई करूँगी, फिर मैं कपड़े भी आपसे शेयर करती रहूँगी सिलाई। जब कलेजी बनाऊँगी फिर भी आपको अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पूरी वीडियो देखनी है आपने। आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी आपने करना, और प्यारा सा कमेंट भी आपने करना है। तो मैं कलेजी धोने लगी हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। हमारी माशाल्लाह से कलेजियाँ धुल चुकी हैं। ये पहले धो कर रख दे तो बहुत अच्छा पानी इसका निकल जाता है। जिस टाइम मसाला भून के इसको डालो तो पानी बहुत ज़्यादा छूट जाता है। थोड़ी सी ग्रेवी वाली रसली सी फैमिली वालों को पूरी होने वाली। ये हमारी छोटी चुटकी नाराज हो गई है, कह रही है मुझे कलेजी दे मैं खाऊं। अब कच्ची कलेजी तो नहीं ना खाने होती, कच्ची कलेजी बहन को मार रही है। ये वाला डिजाइन मैंने इस पे बनाना है, सेम इसी तरह इंशाल्लाह मैंने बनाना है। ये दामन पे लगेंगे, बाजू पे लगेंगे, शलवार के पांचों पे। मैं आपसे सिलाई करके फिर शेयर करूंगी अपने कपड़े सिलाई हुए डिजाइन। ये तो ठीक है, व्यूअर्स बाद में मिलते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये अब मैं कलेजी बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा आपसे रेसिपी शेयर करूँ। ये हमारी आधा किलो कलेजी जो मैंने धोई थी आपके सामने, देखें पानी सारा इसका निकल चुका है। दो से तीन अदर टमाटर काट दिए, एक स्पून मिर्चें हरी मिर्चें और अदरक, हाफ स्पून नमक, अदरक एक इंच का टुकड़ा, आठ लहसुन के जवे, हाफ स्पून गर्म मसाला, दो से तीन अदद प्याज, आधा पाव ऑयल है, आधा पाव से भी थोड़ा सा कम है। ये गर्म हो चुका है और अब इसमें मैं प्याज शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, नमक भी शामिल कर दूंगी, इससे प्याज अच्छे ब्राउन होते हैं। ये प्याज मैंने इसलिए बड़ी बड़ी काटी है, ये मैंने ग्लेंडर करना है मसाला। आया इधर देखो, ऐसे करो ऐसे। ये हमारे सेठ साहब बैठे पे चेयर पे, कैसे जा रहे हैं में बताना। अलीशा मैडम खेल रही है, धनिया प्याज और टमाटर को मिक्स करके काटा हुआ, ये अदरक भी, अदरक भी। अलीशा इधर देखो, सलाम करो। इस कंडीशन में आ गया, अब इसमें ये अदरक शामिल करने लगी और ये लहसुन इसलिए साबुत शामिल कर रही हूँ, फिर इसको मैंने ग्लेंडर करना, ये सुर्ख हो जाएगा। पानी शामिल कर देते हैं, ये टमाटर शामिल करने लगी हूँ, ये हाफ मिर्चें, टमाटर हरी मिर्चें और लाल मिर्च ये मैंने शामिल कर दी है। ये मैं अब कलेजी शामिल कर दी मैंने ऑयल में। ये हमारी कलेजी का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें मसाला शामिल, ब्लेंडर हुआ हम मसाला शामिल कर फिलहाल। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ रहा है, ये हमने अब कलेजी को अच्छे तरीके से भूना है। 17 से 18 मिनट कलेजी को अच्छे तरीके से भूना है। ये कलेजी मेरी भुन गई, अब मैं पानी शामिल करने लगी। ये माशाल्लाह से कलेजी पक चुकी है, नीचे हल्की आंच है। ये गरम मसाला, बिस्मिल्लाह रखना, ये हरी मिर्चें और ये हरा धनिया, ये 2 मिनट बाद इसके ऊपर से डालेंगे। ये मैंने अफ्तारी की तैयारी हो गई है माशाल्लाह से, ये मैंने कलेजी भी डिश आउट कर दी है, आप देखें कितनी प्यारी लग रही है। दुआ मांगो अल्लाह जी, अल्लाह हमें अपना घर दे दे। अस्सलाम वालेकुम, कपड़े में सिलाई कर चुकी हूँ और आपने ज़रूर बताना है कैसे सिलाई हुए कमेंट में। ठीक है जी बहन भाइयों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और शेयर करना और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है भाई कपड़े कैसे सिलाई हुए हैं और हमारी वीडियो आप रोज़ देखा करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।